సిటీ ఇండియా న్యూస్ తెలుగు, ఇది చీకటి వెలుగు. లేఅవుట్ శాంక్షన్ లేఅవుట్ పైలే ఓనర్ బాజాబ్తా పర్మిషన్ లేకే ఘర్ బనాయా, ఘర్ బనాయా సో ఘర్ మై ఖరీదా. ఉస్కే బాద్ మే జబ్ ఏ ఎఫ్టీఎల్ మే యా నదీ మే బఫర్ జోన్ మే వో సబ్ కుచ్ మై జాంతా నహీ. జబ్ మై పేపర్స్ లియే అడ్వొకేట్ కు దియే సబ్ సహీ హై బోలే మై ఘర్ ఖరీదా. అబ్ నోటీస్ మిలా తో నోటీస్ పే नोटिस नहीं, अभी नोटिस अभी आपको जो मिला है किस किस चीज पे और किस बिना पे मिला है और आगे आप ये बफर जोन में बोल के मिला है या फिर एफटीएल में मिला है, किस चीज पे मिला? वो बफर जोन में है बोल के बोल रहे लोग, नोटिस में भी वही है. कितना है सर ये पूरा जो आपके प्रॉपर्टी पर एफ नहीं मार्क किया गया है, दूसरे जितने प्रॉपर्टीज है? मेरा 600 yards है, मेरा 600 yards. ये वाल्टा एक्ट से पहले लेआउट बने से है, वाल्टा एक्ट बनाने के बाद कुछ वो लोग क्या कर लिए मुझे पता नहीं है, तो अभी देखना है. सर अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ ये सवाल उठ रहे हैं कि कोई अधिकारी अभी तक मुझे नहीं मिला, मेरे से बात नहीं हुआ. चीफ मिनिस्टर को क्या कहेंगे सर? आपके भाई है, एक पर्सनल आपका रिलेशन एक है और दूसरा वो एक मिनिस्टर, वो मेरे अकेले के लिए काम नहीं कर रहे, सब लोगों के लिए कर रहे हैं. वो तो करने हैं अधिकारी, करने हैं सीएम क्या करेंगे, क्या कहेंगे सर? ये डेमोलिशन में आप मदद करेंगे अगर बफर जोन में आता है तो? डेमोलिशन तो करना ही पड़ेगा, लीगली कुछ इलीगल काम करा तो लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा ना. तो आप कार्रवाई के लिए रेडी है? रेडी है. और दूसरे प्रॉपर्टीज भी इस चीज की जब्त में आ रहे हैं और खास करके आपके प्रॉपर्टी को लेकर काफी दिन से चर्चा चल रही है. बीआरएस के नेता ट्वीट कर रहे हैं, ड्रोन विजुअल्स लगा रहे हैं, सैटेलाइट विजुअल्स लगा रहे हैं. बीआरएस लोग मेरे को लेके ये सब कॉलोनी वाले को वो मुसीबत में पड़ा दिए, जो मगर मैं नहीं है तो इधर तरफ कोई देखने वाला ही नहीं रहता है? ये तो मैं बनाया तो नहीं है, मैं लेआउट नहीं बनाया, मैं इलीगल को नहीं बनाया, मैं परमिशन लेके जो मेरा मालिक था वो बना दिए, मैं घर बीच में खरीदा, मुझे क्या मालूम है? नहीं आपके जो गवर्नमेंट तोड़ना चाहे तोड़ने दो, जरा टाइम दिए तो सामान लेके बाहर चलता हूँ. सर जैसे आप कह रहे हैं कि बीआरएस ये पूरे बीआरएस वाले अटेंशन डाइवर्ट कर रहे, ये जो 10 साल उनका गवर्नमेंट में बहुत इलीगल काम चला, वो काम रोकने के लिए वो